गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। टुडे टॉपिक इज रियल नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। एंड सब टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज रियल नंबर। क्या होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स? ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको क्लास 9th में किया था, रेशनल इरेशनल नंबर्स जब किए थे उससे पहले थोड़ा सा पढ़ा था कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आपने रूट टू रूट थ्री दोनों बनाना सीखा था, या और कोई अंडर रूट के अंदर आपके पास नंबर था लाइक 3.91 टाइप नंबर भी अगर रूट में है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। तो दीज ऑल द नंबर्स विच आर इरेशनल ऑल्सो, वो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पा रहे हो तो दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स। सारे के सारे रेशनल नंबर हम जो है क्लास 7th में 8th में हमने वो नंबर लाइन बनाना सीखा था, वो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या रेशनल में हो, माइनस 3/4 है, प्लस के 17/8 है, कुछ भी है वॉट एवर। तो वो हमने सारे नंबर्स नंबर लाइन पे 7th और 8th में किए थे। इसके बाद 9th में जो था वो स्क्वायर रूट स्पाइरल सीखा था, वो सेमी सर्कल मेथड सीखा था इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे। तो वो सारे के सारे नंबर चाहे वो रेशनल हो या सारे के सारे वो नंबर जो इरेशनल हो, वो सारे के नंबर हमारे पास जो होते हैं दैट इज रियल नंबर्स। The real numbers consist of all the rationals and irrational numbers. यानी कि real number के अंदर कौन-कौन से numbers आके rational भी हैं और irrational भी हैं। तो real number के अब कौन से subset हैं? इसको हम इसके end में PPT के end में आपको एक flow chart से इसको पूरा समझा देंगे। तो first of all natural numbers. Natural numbers are counting numbers. जो हम लोगों ने बचपन से सबसे पहले start किए थे counting numbers like 1, 2, 3, 4. The all the numbers which don't have this fractional part. ये सारे numbers जो होते हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स इफ नेचुरल नंबर्स में आप एक जीरो और डाल दो टुगेदर विद जीरो दिस बिकम्स होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज योर वन, और जो लोएस्ट या स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर है वो होता है जीरो। नेचुरल नंबर में वन का कोई भी सक्सेसर मिल जाएगा, वन का मिल जाएगा, लेकिन वन का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं मिलेगा। इसी तरह होल नंबर में जीरो का प्रेडिसेसर नहीं मिलेगा, लेकिन सक्सेसर सब नंबर्स के मिल जाएंगे, जीरो ऑनवर्ड सारे नंबर के मिलेंगे। इसके बाद देन आफ्टर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने क्लास 6 में किया था, जिसमें हमने तीन टाइप के इंटीजर्स किए थे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। जीरो इटसेल्फ इंटीजर विच इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही वो निगेटिव होता है और ना ही वो पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर्स द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स एज वी नो कैपिटल एन इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर्स द सेट ऑफ द नंबर्स दैट इंक्लूड जीरो प्लस ऑल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के सेट के साथ अगर आप उसमें जीरो और इंक्लूड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, होल नंबर्स का काम करता है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर सेट द होल नंबर्स विद देयर अपोजिट साइंस। इसको इंटीजर को कहीं कहीं पे आप कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट किया गया होता है। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने नंबर लाइन सीखी थी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। देन आफ्टर रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्लास 8 का काम था। रेशनल नंबर्स वर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर दैट इज बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो। सबसे अच्छी चीज है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, या नहीं भी हो तो आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन हमने इसमें क्लास 7th में भी किए थे। दे कैन ऑलवेज एक्सप्रेस बाय यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हम लोगों ने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में किया था, जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल पढ़े थे, जिनके ऊपर रिकरिंग बार आता था या डॉट लगाते थे वो सारे के सारे रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, जैसे पाई की वैल्यू है टर्मिनेट नहीं करती है, खत्म नहीं होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल आपका डिवीजन खत्म होता है, जैसे लाइक 1/4 है, इफ यू डिवाइड 1/4 यू विल गेट 0.25, 0.25 इसके बाद डेसिमल नहीं जा रहा, कंप्लीट रिमाइंडर आ चुका है डिवीजन में, तो ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वेयर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी आपको बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, उनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगी, भले ही 10 भी हो 20 भी हो डजंट मैटर, लेकिन वो 10 20 के बाद उसमें डिवीजन और नहीं दे सकते, वो डिवीजन खत्म हो गया होगा। तो 36.8, 0.125,
4.5, these all are the examples of terminating decimal. Then non-terminating and repeating decimal. Non-terminating and repeating decimal, take an example of 1 by 3. If you divide 1 by 3, तो आपके पास आंसर आएगा 0.333, या आप इसको 0.3 बार भी लिखते थे. अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल 1.9 बार है, इट मीन ये 1.99999 ऑनवर्ड्स चल रहा होगा. 7.689689689, ऑल द नंबर्स हैविंग द सेम पैटर्न, 689689689. ये आपने अपनी एक्सरसाइज में नाइन्थ में किया. अभी तक सिक्स क्वेश्चन था जिसको आपको इस फॉर्मेट में दिया गया था रिकरिंग प्लेस में, और आपको रेशनल में कन्वर्ट करना था. तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से एग्जांपल्स हैं सॉरी. इसके बाद आपके पास आता है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर रेशनल का ठीक अपोजिट था. द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, रेशनल थे जो ए बाई बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जा सकते हो. इरेशनल नंबर्स व्हिच नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, दे एक्सप्रेस एज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. Decimals that go on forever without repeating a pattern. इनके अंदर कोई pattern नहीं होगा irrational numbers में. जैसे अभी आपको 689689689 pattern मिल रहा था, अब यहाँ देखिए पहला example जो irrational का वो 34 334 3334, फिर 4 times 3 है, फिर 4. इनमें कोई pattern नहीं है, कोई repeat नहीं हो रहा है. भले ही दो digit हम use कर रहे हैं 3434, लेकिन इनमें कोई pattern नहीं है. Value of pi, pi by 2, root 2. रूट टू की वैल्यू जो होती है 1.732 ऑनवर्ड्स चल रही, 1.414 ऑनवर्ड्स चल रही है, वो रिपीट आपके पास इरेशनल है क्योंकि उसमें कोई भी टर्म रिपीटिंग नहीं है. ये प्योर इरेशनल नंबर है आपके पास. फिर अदर वोकैबुलरी जो इसमें यूज किया है, फाइनाइट जो उनके बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट बाउंड्री पॉइंट्स या इसकी कोई लिमिट नहीं होती. वेन डायग्राम जो होता है उसको हम वेन डायग्राम क्या होता है, एक सर्कल रेक्टेंगल, इनकी मदद से हम ये सेट समझा सके कि कौन किसके अंदर है. जैसे आप ड्राइंग बनाते हो, ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, दिस रिप्रेजेंट द सेट दैट इज कलेक्शन ऑफ द नंबर्स जो उसके अंदर आने वाला है. जैसे हम कहें कि 1 से 10 के बीच में क्या नंबर आ रहे हैं, रिपीटेड 1 numbers lies between 1 and 10, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज आई आस्क बिटवीन 1 and 10, तो बिटवीन 1 and 10 के बीच में 2 से 9 तक के नंबर आएंगे, तो 2, 3, और उसको सबको किसमें लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में. इसके बाद आपके पास जो आता है एक वेन डायग्राम समझा सकते हैं कि रेशनल के अंदर बहुत सारे सेट्स हैं. आपने देखा होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये है वो है, लेकिन इरेशनल का कोई भी पार्ट हमारे पास नहीं है. यहाँ पे एग्जांपल्स हम दे रहे हैं आपको कुछ. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल. सबसे पहले आता है 117. 117 आपके पास कैसा नंबर है? 117 एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर भी है, एक रेशनल नंबर भी है. तो ये 117 जो 117 लिखा है, ये सारे नंबर कैरी करता है क्योंकि रेशनल क्यों है, इसको अपॉन में 1 कर दीजिए, रेशनल बन गया. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर का काम है, होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है. जीरो क्या है हमारे पास? जीरो हमारे पास एक होल नंबर है, एक इंटीजर है और एक रेशनल है. माइनस 112.64039, ये क्वांटिटी हमारे पास आगे डॉट 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 जारी. इट मीन ये फाइनाइट नहीं है, ये कैसी है, इनफाइनाइट. इट्स प्योर इरेशनल नंबर. -1/2 इज रेशनल, 6.36 इज, दिस इज नॉट अ नेचुरल, दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये इंटीजर भी नहीं है, ये कैसी होगी, प्योर रेशनल. व्हाई इट इज रेशनल, 6.36 डिवाइडेड बाय 1, हम डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरोस नीचे बढ़ाएंगे, तो 636 अपॉन 100 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, पी बाय क्यू में बन जाएगा, प्योर रेशनल क्वांटिटी हो जाएगी. पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. पाई जो होता है उसका आंसर हमेशा आप लिखोगे इरेशनल. आपको पाई प्लस 2 दे दिया जाए, पाई बाई 2 दे दिया जाए, पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 दे दिया जाए, जहां भी आपको पाई दिखाई देगा आप उसके साथ आंसर का हमेशा इरेशनल. माइनस थ्री ना ही नेचुरल है ना ही होल नंबर है, इट इज ए इंटीजर, इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर ना इरेशनल. इसमें 2 आंसर आएंगे आपके पास, एक रेशनल और एक इंटीजर. ये देखिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक रेशनल एक इरेशनल. इरेशनल में एक पास केवल एक ही नंबर आया, ठीक है, 6.36, 4/9, ये दोनों रेशनल थे हमारे, वो बाहर लिखे हुए हैं. इंटीजर के ब्लॉक में देखिए हमारे पास -3 है, होल नंबर में 0 है, यानी कि जो 0 है वो बाहर वाला भी कैरी कर रहा है.
अंदर अंदर वाला जो होगा वो नीचे से ऊपर सब चलेगा, लेकिन ऊपर वाला तो नीचे होता ही होता है। नेचुरल नंबर में 117, ये देखिए सॉल्यूशन है। When taking the square root of any number, it is not a perfect square. Then resulting decimal will be non-terminating and non-repeating, like root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 8. आपको बोला गया है ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कैसा नंबर होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया लाइक 4 हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 हो गया, तो रूट से बाहर आ ही जाएंगे आपके और आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दी हैं रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसा नंबर आ गया है, इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल, बट वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये आपके पास कैसा है, रेशनल नंबर, ये परफेक्ट इंटीजर है आपके पास, नेचुरल नंबर कह लें, कुछ भी कह लें। परसेंटेज दिया है 49/100, रेशनल बन जाएगा। डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग, ये क्या आपके पास कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अगर नंबर में पैटर्न नहीं है तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। और इरेशनल नंबर भी हमेशा कैसा होता है, रियल नंबर। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों का पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले जो आपके पास ये जिस्ट है इनकी डेफिनेशन, यू हैव टू नोट डाउन इन द कॉपी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये केवल आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए था। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, द क्लास 10th का जो सिलेबस है, इससे पहले ये सारा रिवीजन वर्क है। तो अब अपना टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिस इज आस्क्ड फॉर द 1 मार्क। इस बार भी बोर्ड में इसकी कंडीशन पूछी गई थी कि क्या होता है। तो पहले लेमा समझ लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, फॉर देयर एग्जिस्ट फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए ए और बी, अगर आप उनको डिवाइड करो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्यू एंड आर फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप। ये कौन से रिलेशनशिप है, ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो आप सिंपली 2 को 7 से डिवाइड करते हो, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, रिमाइंडर बचेगा 1, क्वोशेंट 3 था, 7 इज डिविडेंड एंड 2 इज डिवाइजर। तो वी कैन राइट इट 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, आई रिपीट इट, 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, 2 डिवाइजर है उसको पहले लिखा, 2 इंटू 3 प्लस 1, सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इज 7, बी इज 2, क्वोशेंट इज 3 एंड आर इज 1। अब आप कभी सोचते हो कि ये डिवीजन कब तक जाएगा, ये आर की कंडीशन यहाँ पे ये कैसे लिख दी गई। आर अभी आपने देखा कि अगर हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया था, हमने किसे डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, लेकिन अगर रिमाइंडर 2 आ गया होता तो डिवीजन तो जा सकता था। इसका मतलब यानी कि जो कुछ भी रिमाइंडर होगा, हमें कंडीशन रिमाइंडर की सेटिस्फाई करानी थी, रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से। अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ गया होता तो यानी कि मतलब हमने क्वेश्चन तो गलत निकाला था। अगर 1 आता ठीक है, 0 आता ठीक है, तो जो हमारे रिमाइंडर की कंडीशन होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आई रिपीट इट, रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर विच इज इक्वल्स टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर वेरी क्लोजली लाइक इंटरलिंक्ड, दैट पीपल ऑफन कॉल देम एज अ डिवीजन एल्गोरिथम ऑल्सो। अब इसमें क्या है, एक्सेप्ट बी, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपका डिवीजन एल्गो काम करेगा, एक्सेप्ट बी इक्वल्स टू 0। बी 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ए कैन भी 0 बट बी हम 0 नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू 0 नहीं लेते, एक्सेप्ट सारे पॉजिटिव नंबर्स के अलावा बी के छोड़ करके, 0 को छोड़ करके हमें अपना काम करना है।